मतलब कैसे फिर से आप चुके मेरे के साथ है ना। आज के वीडियो में हम फिर से एक और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट की गेम प्ले के बारे में बात करेंगे, मतलब एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो आप कह सकते हो। और ये वीडियो किस पे होने वाला है, ऑब्वियसली बात है टोटल गेमिंग। अब ये गेम देख के ना आप लोग, बहुत लोग मुझे कॉमेंट्स में कहते हैं कि यार TGTG क्या करते रहते हो, अब क्यों TGTG कर रहा हूँ या फिर क्यों TG पे इतना फोकस जा रहा है वो देखो, समझो। वैसे ही नहीं कर रहा कि TGTG कर रहे हैं। अब आज स्काई स्पोर्ट्स प्रो लीग का ग्रैंड फाइनल्स डे नंबर 1 चल रहा था, जहां पे ऑलरेडी ओवरऑल स्कोरबोर्ड आपके सामने है, वो टॉप पे चल रहे हुए 3 बुआज। अब आखिरी कालाहारी में एक एक्सेप्शनल मोमेंट निकाला, फिर से एक और क्लच, रेवेनेंट वर्सेस टोटल गेमिंग, जस्ट वॉच इट। मैं आपको आखिरी कालाहारी का एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे देना चाहूंगा। देखो यहाँ पे केमिन जिंदा है जो टीम नंबर 5 है, वहाँ पे आनंद आपको भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, अकेला प्लेयर है, किलर वहाँ पे नॉक्ट आउट है। किल फीड में आपको RDP दिख रहा है जो रेवेनेंट के कुणाल को नॉक एंड खत्म कर चुका है। रेवेनेंट के खिलाड़ी के पास प्लेयर का एडवांटेज है और हमारी टीम नंबर 1 है टोटल गेमिंग। अब सीन देखो क्या कैसा कन्वर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। रेवेनेंट के पास 3-3 प्लेयर है, वाइपर, राजा, आसिम, सिर्फ कुणाल खत्म हुआ, वो भी RDP ने खत्म किया, ठीक है। अब देखो इस बीच केमिन एलिमिनेट हो जाती है, RDP इसी घर के बाहर खड़ा रहता है। अब रोहित और ड्रेगो, ये सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, 3 टीम्स 7 खिलाड़ी, यहां से वो क्लच आउट कैसे करते हैं? उनके पास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप कह सकते हो कि नंबर एडवांटेज, तब सिचुएशन देखो कैसे यहाँ पे, और फिर से वही लाइनअप खेलते हुए देखने को मिला जो कल हम लोगों ने ई-स्पोर्ट्स में देखा था, वो था रोहित, दिली, ड्रेगो एंड माफिया, वही यंग गन्स यहाँ पे ऑल गन्स ब्लेजिंग जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसे कन्वर्ट करता है, पहले यहाँ पे नादी को खत्म करता है, ओरैंगोटैंग एलीट के, आई डोंट नो हु, ये नया प्लेयर हो सकता है नादी। अब देखो यहाँ पे रेवेनेंट के प्लेयर्स रुके हुए हैं, लुक एट द सिचुएशन की यहाँ पे कैसे प्ले बनाया जाता है। आप इसके बाद जाके देखो सामने से आइस ग्रेनेड आता है, ठीक है। अब रोहित यहाँ से निकल जाता है, ऑब्वियसली बात है कि उन लोगों के पास एक एडवांटेज था, मैं कह सकता हूँ दैट वाज कि वो कंपाउंड के बाहर थे, कंपाउंड के अंदर रेवेनेंट के प्लेयर्स फंसे हुए थे और कंपाउंड के दूसरे साइड पर RDP थे जिसको ऑलरेडी ड्रेगो ने लॉन्चर से उड़ा दिया। अब 2 ही प्लेयर्स बचे हुए, 2v3 सिचुएशन, रेवेनेंट वर्सेस टोटल गेमिंग। अब इस सिचुएशन में देखो कि दोनों प्लेयर्स कैसे निकालते हैं इस सिचुएशन को, इस मैच को। अब वाइपर बाहर निकल चुका है, वाइपर यहाँ पे, बट आसिम को फिर से ग्रेनेड से टेम कर देता है। ये ड्रेगो नाम का बंदा तो किसी को टिकने नहीं देता अपने ग्रेनेड के बलबूते पे। अब यहाँ पे राजा, वाइपर अभी भी अंदर फंसा हुआ है, दोनों बाहर आ रहे हैं। ड्रेगो ने देखो यहाँ पे एक और लॉन्चर मारता है, वाइपर भी डाउन, खत्म। अब यहाँ पे रोहित, अब इनको बहुत आसानी से पता है कि राजा अकेला है, ड्रेगो एक और लॉन्चर मारेगा, रोहित राइट साइड से आ रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते इस सिचुएशन में। राजा टू भी, मतलब कितने आसानी से ये सिचुएशन को क्लच करते हैं ये लोग, मतलब कह सकते हो कि प्ले मेकर जिसे हम कहते हैं, इन दोनों ने एक प्ले बनाया। ऐसा नहीं कि वेट किया कि सामने वाले गलती करेंगे हम उस पर फायदा उठाएंगे, उनके पास नंबर एडवांटेज था बट उनके पास वो सर्कल, वो कंपाउंड में ना बाहर होने का एडवांटेज था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, रेवेनेंट के प्लेयर्स को बाहर आने नहीं दिया, RDP जो अकेला बचा हुआ था उनको भी खत्म कर दिया गया, एंड केविन के प्लेयर्स को तो ऑलरेडी पहले ही खत्म कर दिया गया था, जो कि आनंद अकेले बचे हुए थे। आई थिंक आप लोगों के सामने है कि व्हाई दिस टीम कैन बी अ डोमिनेंट फोर्स, और मैं रादर बोलूंगा कि ये 4 खिलाड़ी टोटल गेमिंग के फ्यूचर बनने के क्यों लायक है और क्यों हकदार है, आप लोगों को डाउट होना चाहिए। आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा, और ये मैच जो क्लच निकाला है रोहित और ड्रेगो भाई ने, कल ड्रेगो और डिलीट, आज रोहित एंड ड्रेगो, तो हर दिन कोई ना कोई डुओ यहाँ पे क्लच निकालता जा रहा है। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में ये लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप समझ सकते हो कि 2022 के आखिरी में जाके क्या ही मचाने वाला परफॉर्मेंस ये लोग दे सकते हैं। होपफुली एनालिसिस वीडियो देख के आप लोगों को मजा आया होगा, आई नो कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाफट जरूर से कर दो। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।